हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सर मेरे दोस्तों, थोड़ा क्या हाल चला? सारे ठीक ठाक हो ना? ते आज फिर सानू एक मौका मिलया है कुलदीप हुंदे कन्ने एक छोटी वीडियो बनाउण दा। ते अज सानू मौका मिलया उंदे कन्ने लंच करन दा। ते अज अस जा रहे हां उंदे कन्ने लंच करन। बाकी दी सिगे एक सारी कहानी है। अज अस कुत्थे जा रहे हां, कुत्थों इनविटेशन आया दा, ओह तुहानू दसणा कुलदीप सर। ते कुलदीप सर, हेलो जी महाराज, की हाल चाल है? ते अज मैं ते अशोक खजूरिया सर ते अशोक बनाल, ठीक है, ये दो जुड़ी रहे ना। ते मैं कला रही है। अज अस जाने मैड ग्लैड 3.0 जड़ा की है ग्रेटर क्लास च। ते उत्थे जाइए अज अस, असेंगी एक इनविटेशन है जिथे अस लंच करन जा करने आं। ते तुस भी अपनी फैमिली कन्ने उत्थे जरूर जायो। हालांकि मैड ग्लैड जाने आस्ते तुसें जड़ा की सुकेत्र कोला भी अग्गे है, पंजाबी हवेली कोल, उत्थे जाने आस्ते तुसें टोल पे करना पौंदा। इस करियै जड़े मैड ग्लैड दे ओनर साढ़े भरा जड़े नितिन गुप्ता होर ने, उन्हें एक और इहदी ब्रांच जिहड़ी है ओह ग्रेटर क्लास च खोली है। तुस अपनी फैमिली नाल जरूर विजिट करियो। ते उत्थे केह केह तुसेंगी जिहड़ी है होस्पिटैलिटी फैसिलिटी किस तरह दी मिलने वाली है, केह केह वैरायटीज उत्थे तुसें मिलनी ना खाने दिया, वो तो अस इस ब्लॉग चे दसदे। ते ब्लॉग चे बने रहो, चैनल की सब्सक्राइब करना नहीं भुलियो। थोड़ा एड्रेस दसो है कुछ ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट जो मैंने बताया आपको। सो ये है ग्रब हाउस बाय मैड ग्लैड। अब चलते हम लोग अंदर। और देखो कुलदीप जी सर जाते हुए, ये तो मजा है। यहाँ पे लाइटिंग देखो कितनी अच्छी लगाई है यहाँ पे। सो एवरीवन, इट्स माय रिक्वेस्ट टू कम हियर विद योर फैमिली। चलो चलो अशोक जी, इधर है ये देखो। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट होते हुए, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सो ये है यहाँ पे, ये है यहाँ का मैड ग्लैड जो कि यहाँ पे खोला है इन्होंने। अब फैसिलिटीज क्या है वो मैं आपको आहिस्ते से बताऊंगा, बट काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम आ गए हैं मैड ग्लैड के अंदर कुलदीप सर के साथ, और अशोक जी हमारे यहाँ पे घूम रहे हैं घड़ी घड़ी आगे पीछे। तो यहाँ की पहले आप देख लीजिए तैयारी कैसी है, फिर पीछे आप देख रहे हैं काफी अच्छा तैयार किया है इन्होंने। तो आई होप कि यहाँ पे आपको आके बड़ा ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या फैसिलिटीज है। तो द कंसेप्ट ऑफ मैड ग्लैड फॉर द पीपल्स ऑफ जम्मू। अब मैं पूरा राउंड लगाता हूँ यहाँ पे, आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सो ये देखो हुक्का भी है यहाँ पे, उसके बाद अल्ट्रा मैक्स बड़ा कुछ है, वो तो आप आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं कुछ बता सकता। सो पीपल्स आर सिटिंग ऑन देयर सीट्स, सो दे आर लिटरली एंजॉय द मील्स, सो हैव ए फन। सो ये देखो आप बैठने के लिए क्या क्या अच्छा बनाया है उन्होंने। कंसेप्ट काफी अच्छा है, एसी भी लगे है इंटरनली। उसके बाद ये इनका यहाँ पे, तो काफी अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे आके। अब थोड़ा सा हम कहीं बैठेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाए पियेंगे। सो ये रहा इनकी रसोई, जिसको हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन हाउस। सो ये देखो, सो ये है इनका प्रिपरेशन हाउस। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे आज आपको? सो बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सफाई है यहाँ पे। आप आए आराम से यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ आके खा सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। सो इसके ऊपर भी है, तो चलते हैं बाद में ऊपर, पहले हम नीचे बैठ जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है डीजे। यहाँ पे डीजे लगा रखा है, डांस का आप म्यूजिक का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे कि डीजे किस वे में लगा हुआ है। सो काफी अच्छा है, अभी ने डीजे रोका हुआ है, थोड़ी देर बाद चलाना शुरू हो जाएंगे आप लोग। तो डीजे का भी एंजॉय यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद काफी अच्छा है यहाँ पे आके, माहौल काफी अच्छा है। तो फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ, जैसे मर्जी, गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं यारो, तो आ जाना भाई। सम गुड पर्सन आर सिटिंग हियर, इनको आप जानते हो, बड़ी बात ये है वो बैकलॉर टीवी वाले, उसके बाद साथ हमारे बैठे हैं ये कुलदीप हंसी। तो थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने का, ये आप देख सकते हैं। तो हम भी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं खाने पीने का, ये देखो मेरे साथ आपको उनको बैठा हुआ, मैं आपको ये बताता हूँ। पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ आके ना मन खुश हो गया मेरा, इतनी अच्छी लाइटिंग की है, इतना अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, कहने की बात नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है यहाँ पे 3-4 घंटे बैठ के जाऊँ, लेकिन बैठ नहीं सकता क्योंकि 4 बजे मेरी क्लास है। लेकिन काफी अच्छा मजा आएगा आपको यहाँ बैठ के, और डीजे का लिटिल लिटिल म्यूजिक सुनने में वो मजा आने वाला, कहने की बात नहीं है।
नितिन और आखा था मैं म्यूजिक ऑन करना जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म करो तो मैं जल्दी गल खत्म करना तो जिन्हें भी जम्मू डुग्गर वासी मैलगढ़ 3.0 का भी एक नजारा दिखा बड़ा अच्छा इंटीरियर है बड़ा अच्छा फूड है जल्दी जल्दी अज ओपनिंग हो जाती है सारे मतलब लोग जल्दी जल्दी 3.0 जान से इधर का फूड इंजॉय कर और सब फूड इंजॉय करते हुए। और तो ये रास्ता ऊपर जाने का यहाँ पे एक ऊपर ही फ्लोर बनाया हुआ इन्होंने तो मैं ऊपर का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ ये देखो तो आप यहाँ भी आ सकते हैं ये देखो ऊपर का व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ भी बैठ सकते हैं आप लोग तो ज़्यादा रश है नीचे ही है ऊपर थोड़ा कम रश है सो यहाँ भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है लेकिन ये है कि सर्दियों में बैठने का मज़ा आएगा क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आएगी यहाँ पे। ये देखो ये है ऊपर का व्यू सारा सारा तो यहाँ भी बैठ सकते हो यहाँ से आपको पूरा जम्मू नज़र आएगा थोड़ा बहुत जो यहाँ का साइडिंग एरिया है ये देखो आप बिल्कुल मेन हाईवे के उसात पे ही है ये तो यहाँ भी आप बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रश होगा सर्दियों में क्योंकि सर्दियों में लोगों को धूप पसंद होती है तो धूप में लोग बैठ सकते हैं। अभी लोगों को क्या चाहिए एसी चाहिए इसलिए लोग नीचे बैठ रहे हैं इसलिए यहाँ पे अभी कोई रश नहीं है तो आने वाले टाइम में यहाँ भी काफ़ी रश होने वाला है सो यहाँ भी एसी लगे हैं कूलर्स लगे हुए हैं आप यहाँ भी बैठ सकते हैं ये देखो आप लोग। सो मैं चाहता था आपको यहाँ का पूरा एक व्यू दिखा दूँ काफ़ी अच्छे से ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। सो इट्स टू गुड टू सिट हियर तो आज हम थोड़ा नीचे बैठ के ही इंजॉय करेंगे तो अब मैं चलता हूँ नीचे की तरफ जहाँ मेरे बाकी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लंच ऑफर्ड बाय मैड ग्लैंड विद कुलदीप हंस सर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं एक बार बताता हूँ कि अगली अब दो तीन वीडियो जो आने वाली है ना वो राइड की आने वाली है क्योंकि संडे का मैंने प्रोग्राम बना लिया है राइड का तो अब आप देखो राइडे कहाँ का शुरू हो जाएगी क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी अब ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में राइड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना खुश रहना स्वस्थ रहना जय हिंद।